बड़ी खबर आ रही शहडोल से, जहां सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भू माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का पुस्तैनी जमीन हत्याने का आरोप लगा है। संतोष वर्मन की सदमे से हुई थी मौत। पुलिस समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर शहडोल से है, जहां सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। भू माफिया पर पुस्तैनी जमीन हत्याने का आरोप लगा था और परिजनों का पुस्तैनी जमीन हत्याने का आरोप है। संतोष वर्मन की सदमे से मौत हो गई थी और पुलिस समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म कर दिया है। भूमाफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। की प्राप्त सूचना के अनुसार एक पुश्तैनी जमीन पर चार भाइयों का जो जमीन थी, उसमें बड़े भाई ने जमीन को बेच दिया और उसके बाद वो कहीं बाहर चला गया, और जो छोटा भाई था उसके परिजनों का आरोप है कि इसी कारण से सदमे में आकर उसकी कल हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए था लीगली वो नहीं मिला। इस पूरे प्रकरण में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं, और इनको समझाइश भी दी गई है कि इनका जो वैधानिक हक है, जो अधिकार है, वो उनको दिया जाएगा। ये रजिस्ट्री कराने की जिद कर रहे थे तो शायद वो भी सुनको, हाँ उसके बारे में भी आश्वासन दिया गया है और अभी इनको वहाँ भेजा जा रहा है, जो भी वैधानिक प्रक्रिया है वो की जा रही है। सर, कथित जो माफिया है वो उसके द्वारा और भी लोगों के साथ इस तरह का कत्ल किया गया है उसका? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई सूचना हमको किसी प्रकार से नहीं दी गई है कि ऐसी कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व भी होगा तो उसको पूरी तरीके से नस्तनाबूद किया जाएगा। सर, सोहागपुर थाने में शिकायत दी गई थी और सोहागपुर थाने में सातों बहनों का आरोप है, जो मृतक है उसकी छह बहनें, उनका कहना है कि हम थाने गए थे, पुलिस ने नहीं सुनी, वहाँ से लौटा दिया, गई उनके पास रिसीव है इस चीज़ की। बड़े भाई ने पूरी ज़मीन बेच कर पूरा पैसा रखा और बाहर कहीं चला गया है, अभी तक यही बात प्रकाश में आई है।